13 are agriculture and industries and the topic is fiber crops. देखिए fiber crops कौन सी होती है यहाँ पर हम पढ़ेंगे. देखिए इसमें two part में उन्होंने बताया है jute and cotton. These are the fiber crops. ठीक है jute and cotton are the fiber crops है. तो देखिए jute is used for making gunny bags. आप देखते हैं jute के bags होते हैं वो बनाए जाते हैं इसे जूट से. लाइन एंड कारपेट्स अपने घर में जो कारपेट्स होती है वो जूट की होती है. कारपेट्स आपने देखा होगा. एंड वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट. ठीक है सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन यहाँ पर वेस्ट बंगाल में होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज कॉटन. कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ. ठीक है कपड़ा बनाया जाता है कॉटन से. एंड द ब्लैक सॉइल ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन. ठीक है सो गुजरात एंड महाराष्ट्र यहाँ के जो सॉइल है वो कैसी है ब्लैक सॉइल. और ब्लैक सॉइल में कॉटन जो है वो अच्छे से ग्रो करता है. मतलब कॉटन की फसल लगाने के लिए हमें कौन सी सॉइल की जरूरत होती है ब्लैक सॉइल की. तो यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन के लिए सुइटेबल है. इसलिए सबसे ज्यादा जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो होता है गुजरात एंड महाराष्ट्र में. ओके स्टूडेंट नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. आपको अब समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप्स फूड क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स. ठीक है बच्चों आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्रॉपिंग सीजन्स इन एरिया.